है ना। अब कर्नल साहब थोड़ा सा आप इनके बारे में बताएंगे। हमारे साथ में कर्नल रघुराज सिंह जी हड़ा हैं, आम आदमी पार्टी के कोटा के संरक्षक हैं, और जो आम आदमी पार्टी का इससे पहले जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था उसका जो बहुत बड़ा आंदोलन जो लोक पे चला उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका कर्नल साहब की रही है। अभी हमारे साथ में जो जम्मू कश्मीर में जो पहले जो युद्ध जो चला था, जो कबाइलियों ने हमला कर दिया था, उसमें एक्टिवली जो पार्टिसिपेट करे उनके बारे में कर्नल साहब बताएंगे। एक मवासा के जो पूर्व सैनिक है उनके बारे में कर्नल साहब बताइए। हमारे साथ, मुझे बहुत गर्व है कि हमारे साथ आज 85 वर्षीय सिपाही ज्ञान सिंह, सिख फर्स्ट सिख के, जिन्होंने भारत पाकिस्तान 47-48 के युद्ध में हिस्सा लिया। और वो बताते हैं कि उस जमाने में जब कश्मीर पे ये कबाइलियों ने हमला किया था तो वहाँ के महाराजा हरि सिंह ने पहले अपने लेवल पे उससे निपटने की कोशिश करी और उसके बाद निपट नहीं पाए तो हमारे देश से मदद मांगी। फिर उस समय प्राइम मिनिस्टर ने उनको शर्त रखी कि मदद तभी देंगे जब आप हिंदुस्तान में शामिल हो जाओगे, तो उन्होंने फिर हिंदुस्तान में शामिल होना स्वीकार किया और हमारी फौजें वहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतारी गई। तो उस जो पहली बटालियन वहाँ उतरी थी हमारे फर्स्ट रेजिमेंट के सिख रेजिमेंट के ये बहादुर जाबाज सिपाही हमारे साथ सिपाही ज्ञान सिंह आज मौजूद हैं और इन्होंने उस टाइम पे बहुत क्रिटिकल भूमिका निभाई थी उन कबाइलियों को पीछे भगाने के लिए। तो हम सबको इस बात का गर्व है कि आज भी इनको वो सब बातें याद हैं और विजय दिवस के ऊपर हमारे साथ आज यहाँ हैं, अपने गांव मवासा से आए हैं और इनमें आज भी वो जज्बा बरकरार है, आज भी वो एक्टिव हैं। तो हम इनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत खुशी होती है इनके साथ और चाहते हैं कि ऐसे बुजुर्ग सैनिकों को लोग तलाशें और मिले और उनसे बातचीत करें तो देश के लिए अच्छा एक अच्छा मैसेज जाए। आप बताइए, आपने जो कबाइलियों का जो हमला हुआ 1947 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू पालम के हवाई अड्डे से हमारी फर्स्ट सिख रेजिमेंट रवाना हुई श्रीनगर, श्रीनगर से लेके आगे उड़ी बारामूला मोहरे का पापड़ा जला दिया उन्होंने, वो उड़ी तक हम लड़ते लड़ते गए। उसके बाद टीटवाल दूसरे रास्ते सोपर दुर्गमूला हिंदवाड़ा त्रैगम है जी, त्रैगम वगैरह सारा इलाका जीते हुए टीटवाल पे जाके कब्जा किया। ये बात सारी हमारी लड़ाई की फर्स्ट सिख की खासियत ये है कि अगर उस टाइम पे पंडित नेहरू सीज फायर नहीं करते, हमारी सेनाएं जीत रही थी, हम आगे बढ़ रहे थे, कुछ ही एक दो दिन के बाद हम पूरा कश्मीर जो आज पीओके के कहते हैं वो हम पूरा जीत लेते और जो आज जो कश्मीर का मुद्दा है वो खत्म हो जाता। लेकिन पंडित नेहरू की नासमझी और संकुचित दृष्टिकोण की वजह से ये सब गड़बड़ हुआ और आज भी वो कश्मीर का घाव हमारे भारत पे लगा हुआ है और हम उसको समस्या को सुलझा नहीं पा रहे। तो हमारे सैनिकों का बलिदान, सैनिकों की बहादुरी किसी काम नहीं आ रही है। कर्नल साहब, आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहा ये जो अन्ना का जो आंदोलन भी जो चला अन्ना चौक पर, और अन्ना चौक जो ऐसी जगह है पूरे हिंदुस्तान में एक ही जगह है जिसका नाम अन्ना